राजनांदगांव से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, वह बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ी हुई हैं, रेणु जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। राजनांदगांव में महिलाओं के साथ है, कैसा उत्साह दिखाई दे रहा है रेणु जी, वहां बताइए। जी मोहन जी, मैं बता दूं कि यहाँ पे सुबह से जो है मतदान के लिए बहुत ज्यादा उत्साह दिख रहा है। विकलांग महिलाएं व्हील चेयर में भी दिख रही हैं, और साथ में जो कपल हैं वो कपल निकल रहे हैं। और खासकर जो यूथ मतदाता है, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, वो घर से बाहर आए हैं, अपने दोस्तों के साथ निकल रहे हैं। और दोस्तों के साथ निकल के उनको कई यूथ का ये कहना है कि हम तो रात भर सोए भी नहीं है, क्योंकि हमें एक उत्साह था कि हम पहली बार मतदान कर रहे हैं। चलिए बात करिए, लोगों से बात करके बताइए क्या कहना है जी। उनका। और साथ में मेरे साथ कुछ कुछ नए नए मतदाता भी हैं, मैं उनसे बात कराती हूँ। क्या सोच के निकले हैं आप? हमारा ये फर्स्ट टाइम है वोटिंग का, तो बहुत एक्साइटेड है हम लोग। बहुत एक्साइटेड है हम लोग, लेकिन मैं यही है मेरा फर्स्ट टाइम, मैं एकदम एक्साइटेड हूँ। जो मैं किसको वोट करूँ ये सब मैंने सोचा है, जो मैं किसे वोट करूँ। निर्वाचन आयोग ने आप लोगों के लिए ऐप बनाया था, जिससे ट्रेन हो जाते कि नए मतदाता है, उसको देखे या अपने मन से आए हैं वोट करने? गाइडेंस मिला है अपने सीनियर से, अपने पेरेंट्स से, तो उसके आधार पे हम आए हैं वोटिंग। बेटा भाग्य, आप पहले फर्स्ट टाइम मतदाता है, मतदान करने से पहले क्या माइंड मेकअप के साथ आए हो? किस तरीके के प्रत्याशी को चुनना चाहते हो? अच्छे अच्छे ही चुनेंगे, कुछ करें ऐसा। हाँ, अपने स्टूडेंट के लिए और वो किसानों के लिए। आप फर्स्ट टाइम वोटर हो? यस मैम। क्या सोच के मतदान के लिए? मैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि मैं मतलब जिसे भी वोट करूं वो हमारे देश के लिए काम करे, हम लोगों के लिए, यूथ के लिए काम करे, और मेरा वोट जो है किसी सही प्रत्याशी को जाए जो हमारे भारत को आगे लेकर जाए। इसके साथ हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, और ऐसी एक महिलाएं भी है जो 21 साल हो गया उनको मतदान करते, मतलब वो 21वां मतदान कर रही है। हाँ, मैं एक उत्साह साथ में आती हूँ, और मेरे देश के लिए काम करे, मेरे देश के लिए काम करे, उनका मैं साथ देती हूँ। इसके कारण मैं काम छोड़ के मतदान करने आई हूँ। आंटी अब आ जाए, आप दोनों कपल सुबह सुबह मतदान के लिए निकले हैं, क्या माइंड मेकअप के साथ था, किस तरीके के? हमने कल रात की सोच लिया था, इतने समय अपने वोट देने जाना है, सबसे पहला वोट देना मेरा अधिकार है, और सरकार अच्छी बने जिससे विकास हो अपने छत्तीसगढ़ का। आप अभी मुझे बता रही थी आपकी, मैं पूजा पाठ छोड़ के पहले मतदान देने आई। जी, पहले सबसे पहले हमारा फर्ज है कि वोट दे, हमारा यही फर्ज है। काम तो होता रहता है जिंदगी भर वोट, लेकिन बहुत एक वोट भी बहुत कीमती है हमारे लिए। जी मोहन जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर जो मतदान महापर्व जो मनाया जा रहा है, इसमें बढ़ चढ़ कर मतदाता सामने आ रहे हैं, और महिलाओं की संख्या बहुत आगे दिखाई दे रही है। और साथ ही जो संगवारी मतदान केंद्र बना है, वो संगवारी मतदान केंद्र में बता दूं कि वहाँ की पूरी महिलाएं पूरा मैनेज कर रही हैं, तो वहाँ पर सबसे ज्यादा बुजुर्ग महिला, यंग बच्चियां और महिलाओं की संख्या दिखाई दे रही है। जी ठीक है, तो काफी अच्छी प्रतिक्रियाएं मतदाताओं की ओर से मिल रही हैं। हमारे जी राजनांदगांव से हमारी एसोसिएट एडिटर रेणु तिवारी ने जानकारी दी है। अब जानकारी आ रही है कि रमन सिंह अभी घर में ही हैं, रायपुर।